नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का मुद्दा बड़ा खास है और मुद्दा खास इसलिए है क्योंकि ये एक बॉलीवुड क्राइम से जुड़ा हुआ है। और जब जब बॉलीवुड का नाम किसी क्राइम से जुड़ता है तो मुद्दा अपने आप गर्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर, जिसे महाठग कहा जाता है या आप कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग है ये, इस ठग से एक बार फिर जैकलीन का नाम जुड़ा है, जैसा कि पहले भी जुड़ता आया है। और इस बार मामला है 7 करोड़ रुपए की उधारी का। जी, आपको बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर कार्रवाई करते हुए उनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को अग्रिम तौर पर जब्त कर लिया है। इसके मायने यही है कि उनको ये लगता है कि ये जो 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसका लेना देना सुकेश की जो काली कमाई है, जो कि उसने उगाही की जो जरिए कमाई थी गौरव, उस वजह से उसे जो गिफ्ट्स दिए गए थे तो उसका इंटरकनेक्शन हुआ है और जिस वजह से ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, जो ईडी की कार्रवाई है उसके पीछे की सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ईडी को अब सुकेश जेल में बंद है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है वैशाली, और अब उसे क्या करना है कि उसने 200 करोड़ की संपत्ति की उगाही करनी है, यानी जो उसने 300 करोड़ का फ्रॉड किया है उसमें 200 करोड़ की उगाही अब सुकेश के रिश्तेदारों से, उसके फ्रेंड सर्कल से या जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है उन कंपनियों से निकाले जाने हैं। जी, और इसी कड़ी में एक बड़ा नाम जुड़ता है जैकलीन फर्नांडिस का, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। लेकिन आपको यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जैकलीन फर्नांडिस की जो मुश्किलें हैं ना, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी वैशाली। अभी तो ईडी तैयारी कर रही है कि उन्हें सरकारी गवाह बना लिया जाए, उन्हें पूछताछ की जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और क्यों ना उन्हें गवाह बना लिया जाए, और साथ ही साथ पुलिस चार्जशीट फाइल करने के लिए भी सलाह ले रही है। तो कहीं ना कहीं जैकलीन शायद जेल भी जा सकती हैं। तो इस वक्त जो उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है राम सेतु, उस पर भी तलवार लटक गई है। बिल्कुल, फिल्म पर भी तलवार लटक गई है क्योंकि अगर एक्ट्रेस इस तरह के किसी भी कारनामे में शामिल होकर उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया जाता है तो कहीं ना कहीं दर्शकों का एक मनोबल डाउन हो जाता है। दर्शक ऐसे एक्टर्स को, ऐसे एक्ट्रेसेस को बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। वैशाली, कंट्रोवर्सी होना एक अलग बात है। कंट्रोवर्सी से कई बार मामले को गंभीरता मिलती है, राहत मिलती है, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी कि आप एक महाठग के साथ इतने रिश्ते, इतने साल तक इतने संबंधों में रही, वैशाली 2021 की बात है जब पहली बार जैकलीन फर्नांडिस का नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा और ये बात सामने आई और खुद एक उन्हें गाल पे किस करते हुए दिखाया गया कुछ। जी, और ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करते हुए जैकलीन ने इस बात को कबूला है कि सुकेश ने न सिर्फ उन्हें महंगे गिफ्ट दिए हैं बल्कि उनके परिवार में सभी को, उनके माता पिता भाई सबको करोड़ों रुपए के गिफ्ट सुकेश ने गिफ्ट किए हैं। और ये बात जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बयान में भी कबूली है। तो जो शक का घेरा है ना ईडी का, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। और ईडी ने अगर कार्रवाई की है तो ये मान लीजिए कि सबूत बहुत पुख्ता हाथ लगे होंगे, तभी ईडी जैसी जो बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वो तभी कार्रवाई करती है, क्योंकि ईडी, सीडीआई, सीआईडी ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कहीं शिकंजा तब डालती है, कहीं हाथ दब डालती है जब किसी आरोपी के खिलाफ बड़े पुख्ता सबूत हाथ लगते हैं। जिसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर से जो एक्ट्रेस है उसके रिश्ते तो बहुत दिन से चले आए थे, पहले उन्हें छुपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब तस्वीरें वायरल हुई, तस्वीर में जैकलीन को किस करते हुए दिखाया गया, तब ये मामला बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब जैकलीन झूठ बोल रही है। उसके बाद प्रेशर में आकर जैकलीन को ये सच कबूलना पड़ा कि वाकई सुकेश ने उन्हें महंगे गिफ्ट दिए हैं, जैसे 2-2 जोड़ी उन्होंने डायमंड इयररिंग्स दिए हैं, ब्रेसलेट्स दिए हैं, 1.5 करोड़ उनके भाई को कैश दिया है, महंगी गाड़ियां दी हैं। और आपको इनकी ठाट बाट मैं बताऊं वैशाली, आलीशान जिंदगी कैसे जीते थे ये लोग, जो मुश्किल से कमाया हुआ पैसा होता है उसे आदमी बहुत सलीके से जीता है जी। लेकिन जो इस तरह के कारनामे करके आदमी पैसा कमाता है उस पैसे की कोई वैल्यू होती नहीं जी। और ये सुकेश ने साफ साफ बता दिया, सुकेश जैकलीन को मैं विदेशों में घुमाता था, और अगर जैकलीन मुंबई में है और सुकेश चेन्नई में है तो चार्टर्ड प्लेन भेजकर उसने जैकलीन को वहां पे एक फार्म हाउस में बुलाया और वो पूरा फार्म हाउस बुक किया हुआ था, चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया, 3 दिन तक ये एक अच्छे 5-स्टार होटल में रुके, लग्जरियस स्वीट जो होती हैं उनमें स्टे किया, महंगे खाने खाए, महंगे सैर सपाटे किए,
तो ये सब चीजें थी लेकिन जो अब सामने आ गौरव रही मैं हैं। यही बोलूंगी कि हम जो भी करते हैं ना कहीं उसका जो सामने वो आ ही जाता है हकीकत। वेल इस पूरे सिनेरियो में हमने जैकलिन की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि सुकेश के साथ सिर्फ जैकलिन ही नहीं बल्कि नौरा फतेही, शिल्पा शेट्टी और भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में उसने निशाना साधा, लेकिन हालांकि गिफ्ट्स उनको भी मिले हैं, बिल्कुल लेकिन जैकलिन को कुछ ज्यादा ही मेहरबानी की गई यहां तक कि थी। सारा तक को भी उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, जी सारा अली खान को भी गिफ्ट भेजने की कोशिश की, और बहुत सारी उन्होंने उनका शौक बन जाता है ये। मैं आपको बताऊं वैशाली, अय्याशी भी अपने आप में एक शौक हो जी जाता है, और ये जो शौक है ये सुकेश चंद्रशेखर को लगा हुआ था, और यही वजह है कि वो बड़ी बड़ी मॉडल्स, बड़ी नामचीन हस्तियां, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इनको अप्रोच करता था। जी वो बिना किसी बात के सबसे पहले इतना महंगा गिफ्ट किसी को भेज देता था कि खुद पे खुद लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए और फिर जी उसके शिकंजे फंस जाए। जी बहुत सारे नाम लेकिन ऐसे हैं जो लेकिन पासवर्ड बन यहां गए। पर सुकेश की जो स्ट्रैटेजी है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहां बिल्कुल पर हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये सुकेश जिसे महाठग मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, आखिरकार इस सुकेश की शुरुआत कहां से हुई? बिल्कुल वैशाली, सबसे बड़ी बात तो यह है, एक कुल 17 साल का लड़का, जो कि ढंग से जिसे एक नाबालिग कहा जाएगा कानून की किताबों में, 17 साल का लड़का किस तरीके से एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला, एक मध्यम वर्ग के परिवार से आने वाला, कैसे वो 200 करोड़ का मास्टरमाइंड बना, कैसे वो इतना बड़ा महाठग बन गया, और कैसे उसकी जो अप्रोच है वो फिल्मी हीरोइन से हो गई, वो एक्ट्रेसेस तक पहुंच गया, उन्हें एक पर्सनल उन्हें इस्तेमाल करने लगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। वैशाली आप बताइए किस तरह ये सब कुछ हुआ है। जी तो आपको मैं बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो उसने अपने आप को न सिर्फ पहले तो वो जब जेल में था महाठगी के आरोप में, तो उसने सबसे पहले तो जेल में जो मौजूद कैदी थे उनके बीच में अपना एक ऑरा क्रिएट किया, और ऑरा ऐसा कि भाई उससे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है। पहले उसने जेल से ठगी की और जेल के ही थ्रू उसने देश भर में अपना नेटवर्क फैलाया, और वहीं से ही उसने इन लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसा, जिसे कहते भी हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, जी तो जेल अधिकारियों के सामने उसने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये जेल में रहना उसकी लाइफ नहीं है, अगर वो जेल में भी रहेगा किसी आरोप के लगने के बाद तो एक लग्जरियस जिंदगी जिएगा, और ऐसा हुआ भी है। जेल से वो बाद में अपना नेक्सस चला रहा है, पूरा नेटवर्क चला रहा है, और जेल में एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। किसके इशारे पर? जेलर, कर्मचारियों के, अधिकारियों के उस इशारों पर। और वो उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सामने वाली हस्ती है वो बड़ा इन्फ्लुएंसिंग चेहरा है, जी वो एक बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं उसकी गिरबान पे हाथ डालना है, उसके साथ इस तरह का मिसबिहेव करना उन्हें भारी पड़ सकता है। इसलिए जेल अधिकारियों ने सुकेश चंद्रशेखर को इतनी मौज दी जेल में रहकर कि वो एक लग्जूरियस जिंदगी जी रहा था, वो आम कैदियों की तरह नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था जेल के अंदर। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा डॉन होता है, जब वो जेल में जाता है कुछ कैदी उसके पैर दबा रहे हैं, कुछ उसके झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, सेम यही जिंदगी जी रहा था ये इतना बड़ा महाठग। और वाकई इसे महाठग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो जेल में जाता है तो कैदियों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, बड़े बड़े जेल के अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, बाहर निकलता है तो अभिनेत्रियों के साथ डेट करता है, हीरोइंस को पटाता है, घुमाता है, गिफ्ट लेता है, देता है, जेब में एक रुपया अपना नहीं है, लोगों के साथ जी ठगी करता है और फिर उनसे एक लग्जरी जिंदगी जीता है, जी तो इसे आप महाठग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जी और इस पूरे सिनेरियो पे आपका क्या फीडबैक है? आप सुकेश चंद्रशेखर की इस चालाकी को किस तरह से देखते हैं? साथ ही साथ आपको क्या लग रहा है कि अब इस मामले में और किस तरह के मोड़ आ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही साथ ये जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि जैकलिन वाकई इस मामले में आरोपी है, उन्हें आरोपी साबित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए या फिर नहीं। और क्या वो भी जेल जाएंगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इंडिया न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया न्यूज पर हमेशा चटपटी और मजेदार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, तो देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।